के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कान खोलकर सुन ले। हम और एक हत्या नहीं देखना चाहते। हम अपने घर वालों के लिए हम बहुत कुछ है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी लाश पहुंचे वहां। तो इसलिए हम अल्टीमेटम देते सरकार से ये कि हमें इवैक्यूएट किया जाए यहां से, हमें रिलोकेट करिए, अदरवाइज हम मास माइग्रेशन के लिए तैयार है। पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन पे है। जिस प्रकार से राहुल भट्ट की चाडूरा में निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उसके बाद हम पूरा जितने भी माइनॉरिटी है पूरा सड़कों पे उतर आए हैं। तो इवन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत होने के बाद भी और आईजीपी कश्मीर जिस मीटिंग में शामिल थे उनसे बातचीत होने के बाद भी हमारे जितने भी माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने DDO मजबूर करते हैं नौकरी पर जाने के लिए, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि एक हमारी जो एम्प्लॉय थी कुलगाम स्कूल में गोपालपुरा में, तो आज उनको जबरन स्कूल बुलाया जाता है। वो जो CO कुलगाम है, DC कुलगाम और जो उस स्कूल के DDO है वो उसको ज़बरदस्ती करके बुलाते हैं और वो फिर से एक बार टेररिस्टों का निशाना बन जाती है। तो ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि UT एडमिनिस्ट्रेशन एक एक माइनॉरिटी की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करेगी। और हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिलोकेट किया जाए, इवैक्यूएट किया जाए और गाड़ियों में पूरा सिक्योरिटी के तहत यहाँ से हमें इवैक्यूएट किया जाए। और 24 घंटे का अल्टीमेटम तमाम माइनॉरिटी एम्प्लॉयज ने यह UT एडमिनिस्ट्रेशन के पास पेश किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से हमें निकाला जाए और हमें अपने घरों में सुरक्षित पहुँचाया जाए। हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये पिछले 18 दिन से कंटिन्यूस प्रदर्शन चल रहा है, और प्रदर्शन के बाद भी जो LG साहब आए थे हमारे पास और बाकी जो डिवकाम साहब आए थे, IGP कश्मीर वो आए थे, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी काम पूरा बंदोबस्त करेंगे, इसके बाद और कोई हत्या नहीं होगी। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ LG साहब से भी और IGP कश्मीर से भी कि आप बताइए ये जो आज हत्या हुई स्कूल में घुसकर टेररिस्टों ने इनको मार दिया, तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी तब? अब मैं सिर्फ हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं ये UT गवर्नमेंट को कि आप हमें यहाँ से इवैक्यूएट करिए, हमें यहाँ से रिलोकेट कीजिए, नहीं तो हम मास माइग्रेशन के लिए तैयार है। सिर्फ हम 24 घंटे का आपको अल्टीमेटम देते हैं। फिर से UT एडमिनिस्ट्रेशन कान खोलकर सुन ले। हम और एक हत्या नहीं देखना चाहते। हम अपने घर वालों के लिए हम बहुत कुछ है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी लाश पहुँचे वहाँ। तो इसलिए हम अल्टीमेटम देते सरकार से ये कि हमें इवैक्यूएट किया जाए यहाँ से, हमें रिलोकेट करिए, अदरवाइज हम मास माइग्रेशन के लिए तैयार है।